हेलो एवरीवन, आज है ईद की दूसरे दिन और आज हमारे घर में बन रही है किमामी सेवई, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाए थे तो इस साल कर रहे हैं। इसके लिए आपको बनारसी सेवई मार्केट में मिलेगी, किमामी की आप बोलिएगा तो उन्हें दे देंगे। और फिर सबसे पहले आंटी सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से घी में रोस्ट कर लिए आंटी, उसके बाद उसे निकालने के बाद फिर यहाँ पे खोया है आंटी, जितनी क्वांटिटी की सेवई बना रही उसी हिसाब से 300 ग्राम अभी खोया पड़ा, उसे भी अच्छे से कर लेने के बाद अब घी डाली फाइनली। उसके बाद ये सारा पहले जो इलायची होती लौंग होती है सबको अच्छे से रोस्ट कर ली, उसके बाद जाकर के सारे जो सेवई है लेयर वाइज वो आंटी थोड़ा थोड़ा करके डाली, एक बार में डालती तो ख़राब हो जाता आंटी बताई थी, इसीलिए दो बार करके वो की। गले को थोड़ा एडजस्ट कर लिया क्योंकि कुछ दिन से परेशान है गले को लेकर के, बट अब आज ठीक हुआ तो फाइनली हम सोचे चलो इसकी रेसिपी शेयर कर दें आप सबके साथ। और उसके बाद दोबारा आंटी सेवई लेकर के इसे भी उसी तरह घी में अच्छे से रोस्ट करनी। इसके बाद आंटी थोड़ा इसमें मिल्क ऐड की और इसे ढक करके 5 मिनट तक छोड़ना है ताकि वो जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एक तरफ पानी में आंटी चीनी डाल के चाशनी बना रही है जो कि 2 कप इस कप के अंदाज से डाली थी वो, और अभी सेवई के अंदर सॉफ्टनेस आ चुकी है पूरे तरीके से। अम्मी आंटी लोग सब साथ में किचन में थी और आज तो मेरी बुआ भी आई हुई है, तो आई थॉट कि चलो आप सबको भी दिखाए, सिर्फ वीडियो खाने पीने की नहीं शूट करें। और ये रहे मेरे फूफा जो कि अंकल से बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब मोस्टली हम लोग का टाइम किचन में बीता है ना ईद के टाइम में, तो इसीलिए हम लोग सब साथ में ही है। और चाशनी भी इधर बन के तैयार हो चुकी है जो कि आंटी धीरे धीरे करके सारे चाशनी को सेवई के ऊपर डाल दे रही हैं। हम लोग क्या ना, वैसे तो किमामी सेवई बहुत मीठी बनती है हर जगह, जैसे कि 300 ग्राम में तो लोग 750 ग्राम चीनी डालते हैं, इतना मीठा, बट हमारे घर में ऐसा नहीं है। और ऊपर से सारे ड्राई फ्रूट्स कटे हुए आंटी डाल दे रही हैं और साथ में ग्राइंड किया हुआ गड़ी भी आंटी इसमें ऐड की है। अब इसे सुखाने का प्रोसेस चल रहा है सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने के बाद, कि जितना भी एक्सेस अमाउंट में पानी है वो सारा सोख ले और उसके बाद तैयार होगा। और यहाँ पे फूड कलर भी डाली आंटी, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, बट अच्छा लगता है कलर थोड़ा सा खिलता हुआ मिले तो। जितना भी एक्सेस अमाउंट में वाटर वगैरह थी वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है अच्छे से। और ये सेवई भी आंटी दिखा रही थी कि देखो जब तक ये छोड़ेगा नहीं ना खुद से तब तक समझना कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये फाइनली कंप्लीट हो। और फिर इसे कढ़ाई से हटाकर आंटी दूसरे बर्तन में शिफ्ट की और ऊपर से इसमें खोया सारा ऐड की जो पहले ही कर खोया कंप्लीट हो चुकी थी, और ऊपर से बची हुई जितनी ड्राई फ्रूट्स थी आधा उसमें डालना था और आधा इस ऊपर से डालने के लिए रखी थी आंटी, और साथ में लास्टली केसर, और ये बनके कंप्लीट होती है किमामी से। अगर आप लोग ट्राई नहीं किए तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर शाम के टाइम में छोटे मामा बड़े मामा और उनकी फैमिली बुआ लोग सब आई हुई थी, क्योंकि ईद के टाइम में अक्सर होता है कि हम लोग सब साथ होते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ हम चिकला पिकला निशात अप्पी सब यहाँ पे अड्डा जमा के बैठे हुए थे। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को भी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।